देखिए, इस बंगाल की धरती ने बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में भेजा और मुझे पूरी उम्मीद है इस बंगाल के लोगों पे, बंगाल की धरती पर जिस बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए भेजा, वो संविधान बचाने की भी लड़ाई में आगे आएंगे और बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान बचाकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। थैंक यू। कितने आप पूरी उम्मीद है इस सभा से? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से मंच पर आज लोग बैठे हुए थे, SC ST OBC माइनॉरिटीज के ब्राह्मण्स भी बैठे हुए थे, इन सबको देखकर यही लगता है कि मोदी नहीं, मोदी से बड़ी फैसिज्म भी ताकत को हराने की ताकत रखता है। ये बात हम लोगों को बता रहे हैं। अगर लोग वोट फॉर इंडिया को वोट कर रहे हैं, फिर इसमें से जाके स्विंग कर जाएगा किसी से, तो उस वक्त क्या कीजिएगा? नहीं देखिए, पार्टी जब हम लोग तो वोट देने का काम कर रहे हैं, सरकार बनाने की बारी जब आए, हम लोग यही चाहते हैं कि मजबूर सरकार बने ताकि हम लोग उसको फिर से गिरा सके। आपने ईवीएम के खिलाफ में बोले जी, तो ईवीएम के खिलाफ में हम लोगों ने 2019 में पिटीशन दायर किया था, 2020 में ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसका चर्चा होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये पिटीशन फिर से पीछे रह गया। थैंक यू। विवेक टिकरवाल ने कहा है कि संविधान चेंज करना है, जब बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है उसको चेंज करना है। देखो, संविधान चेंज करना ये सिर्फ लोगों की मानसिकता तैयार कर रहे हैं, ये संविधान चेंज नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं बीजेपी RSS के एजेंडा पे चल रहा है, जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की उन लोगों की परिकल्पना थी, उस हिंदू राष्ट्र के तहत जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया था, तो इन लोगों का मन था कि मनुस्मृति भारत का संविधान हो और भारत में दलित भाइयों के साथ पक्षपात हो, मुसलमान क्रिश्चियन इन सबको बाहर निकाला जाए। इस तरह की जो इनकी मानसिकता है और मनुस्मृति, वो ये लोग संविधान बनाने का जो प्रयास में असफल हो गए 2014 के बाद, सत्ता में आने के बाद इन लोगों का प्रयास है कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल बदल के और जो है संविधान में समतावादी बातों को हटा के ऐसी ऐसी चीजें डालना जो RSS के शाखा में पढ़ाई जाती है। संविधान बदलने का कोशिश कर नहीं रहा, बल्कि एक के बाद एक बिल पारित करके संविधान के आर्टिकल्स को बदल बदल रहा है। और ऐसे में अगर आप कहें कि आपको कैसे देखते हैं, तो मैं यही देखता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी RSS के एजेंडा पे चल रहा है, जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की उन लोगों की परिकल्पना थी, उस हिंदू राष्ट्र के तहत जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया था, तो इन लोगों का मन था कि मनुस्मृति भारत का संविधान हो और भारत में दलित भाइयों के साथ पक्षपात हो, मुसलमान क्रिश्चियन इन सबको बाहर निकाला जाए। इस तरह की जो इनकी मानसिकता है और मनुस्मृति, वो ये लोग संविधान बनाने का जो प्रयास में असफल हो गए 2014 के बाद, सत्ता में आने के बाद इन लोगों का प्रयास है कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल बदल के और जो है संविधान में समतावादी बातों को हटा के ऐसी ऐसी चीजें डालना जो RSS के शाखा में पढ़ाई जाती है। G20 का मीटिंग चल रहा है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि बच्चे लोग इन लोगों को घेर दिया है, गरीब लोगों को, दिल्ली का जो गरीब लोग इन लोगों को घेर के G20 का मीटिंग कर रहा है, असली इंडिया को छुपा के नकली इंडिया दिखा रहा है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए, G20 के मीटिंग में जो पर्दा लगा के गरीबों को छुपाया गया, यह मोदी सरकार की असफलता है और इस असफलता को छुपाया जा रहा है। आपको बता दें, एक तरफ ये लोग कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम और बताते हैं कि पूरा अमेरिका से लेकर हर एक देश में डंका बज रहा है, और दूसरी तरफ हमारे ही देश में भूख से लोग मर रहे हैं, उनको छुपाने का प्रयास किया जाता है। और ये भी बता दें कि उस वक्त अमेरिका के मीडिया को यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं दी गई, और जब स्वतंत्रता नहीं दी गई जब मीडिया को, तो क्या हुआ, वह जाके वहाँ पे क्यों स्वतंत्र, ये लोग बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के पत्रकारों से मिलना चाहता था, नहीं मिलने दिए। जाके वह वियतनाम में जो है, वर्मा में जो है, वियतनाम में जाके वह बोलता है कि हमने मोदी को क्या पाठ पढ़ाया, तो मानव ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाया, प्रेस फ्रीडम का पाठ पढ़ाया, और वह पूरी तरह से जो यहाँ पे बातों को दबाने का प्रयास किया था, वह खोल के पूरे विश्व पटल पे बता दिया कि भारत में अभी सही मायने में सरकार कैसे कार्य कर रही है। फिर एक आजादी की बिगुल बज रही है, एक बार जो अंग्रेजों के खिलाफ बजी थी, आज नफरतों के खिलाफ ये बिगुल बजी है आजादी की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बंगाल जो है वह ऐसी धरती है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और देखा जाए तो बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, और आज़ादी की लड़ाई में बंगाल और पंजाब, इन दोनों की बहुत बड़ी सहभागिता थी, और आज फिर से बंगाल में जो नफरतवादी विचारधारा है उसको कुचलने के लिए बंगाल की धरती से पुनः आवाज़ उठ रहा है, और यह दिखाता है कि यह विवेकानंद की जमीन है, यह रामकृष्ण परमहंस की जमीन है। यह ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের মূল্যবান কমেন্ট অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে করবেন, এবং আমাদের ফেসবুক পেজকে লাইক করবেন, ফলো করবেন, এবং ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন সঠিক খবর পাওয়ার জন্য।